डॉक्टर की एक उम्मीद इंसान के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान ला देती है जब वो जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डॉक्टर जीवन के रक्षक होते हैं, जो मानव जाति के लिए अथक परिश्रम करते हैं। डॉक्टर वो है जो निराशा में भी आशा की लो जगाता है, जो असंभव को भी संभव बना देता है। उनकी सेवा उनके कर्मों से उन्हें महान बनाती है। और मौजूदा समय में फोर्टिस हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन की कमान संभाल रहे डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट भी कुछ ऐसे ही डॉक्टरों में शुमार हैं। डॉक्टर अनिल ने कई लोगों के चेहरे को ऐसी मुस्कान दी जिन्होंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। डॉक्टर अनिल के अथक प्रयास से आज वो एक नई जिंदगी जी रहे हैं। उत्तराखंड में टिहरी के एक छोटे गांव बड़ियालगढ़ के रहने वाले डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट का मानव सेवा का ये प्रयास उनकी जीवन शैली को और भी महान बनाता है, क्योंकि भारत के कई प्रदेश जहां लोग नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट की कमी के चलते जिंदगी की जंग हार जाते हैं, उसमें भारत की राजधानी दिल्ली समेत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और गोवा जैसे कई राज्य इस भारी कमी से जूझ रहे हैं। WHO की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर होना जरूरी है, लेकिन भारत में इन 6 राज्यों में ऐसा नहीं है। बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और न ही डॉक्टर हैं। यही नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में काम करने वाले डॉक्टर किसी भी ऐसे राज्य में जाने या ट्रांसफर लेने के लिए तैयार नहीं है जहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है। लेकिन डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट कई राज्यों नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन के लिए अपनी सेवा दे चुके हैं। तो देश में क्या क्या है डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट के जीवन की उपलब्धियां, इस पर बात की न्यूज वर्ल्ड इंडिया की कॉरेस्पॉन्डेंट भारती सिंह ने। एक डॉक्टर ही एक हताश मरीज की जिंदगी में एक आस बनकर आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज डॉक्टर स्पेशल में हम आए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि नोएडा में है, और हम यहां पर मिलेंगे डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट से जो कि डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और साथ ही में किडनी ट्रांसप्लांट भी देखते हैं। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लाइफ में किडनी डिजीजेज इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि व्हाट इज नेफ्रोलॉजी? धन्यवाद भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और नेफ्रोलॉजी हमारा एक शरीर में एक किडनी, जो आपने नॉर्मली सुनते हैं कि किडनी एक ऑर्गन होता है जी। और किडनी एक बहुत वाइटल ऑर्गन है जो खून की सफाई करता है। हमारा जो शरीर का जब मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो डे टू डे में जो भी वेस्ट मटीरियल बनता है खाने के बाद, तो उसकी सफाई का काम किडनी करता है, जो पेशाब के में गंदगी शरीर के निकालता है जी। तो मेरा जो मुख्य काम है वो किडनी की देखभाल करना है जी। और बाकी फिर जैसा जी बिल्कुल। और क्योंकि नेफ्रोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि स्पेशली अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो शुगर पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सफ़र करते हैं इन सारी चीज़ों से। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि अगर हमें शुगर है, अगर किसी भी पेशेंट को शुगर है, तो क्या उस सारे पेशेंट्स जो शुगर पेशेंट्स हैं क्या उन सबको मान लिया जाए कि वो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं? नहीं, देखिए किडनी की बीमारी के कुछ कारण हैं। एक तो किडनी की बीमारियां दो तरह से हो सकती हैं, बहुत शॉर्ट टर्म वाली बीमारियां हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म वाली बीमारियां हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म में जो बीमारियां होती हैं जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में जो बीमारियां चलती हैं उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं जी। तो इनके कारण अलग अलग होते हैं। शॉर्ट टर्म की जो बीमारियाँ होती हैं उनके कारण आपका इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया जैसा आपने सुना होगा, डेंगू है, आजकल कोविड भी है। और जो लेकिन जो लॉन्ग टर्म की बीमारियां जो जो मेजर बर्डन जो पॉपुलेशन पे है वो लॉन्ग टर्म की बीमारियां डालती हैं। शॉर्ट टर्म की बीमारियां तो पेशेंट की जल्दी ठीक हो जाती हैं और पेशेंट की किडनी रिकवर कर जाती है, कई बार पेशेंट की डायलिसिस भी करनी पड़ती है पर वो रिकवर कर जाते हैं जी। लेकिन लॉन्ग टर्म की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें उसका मुख्य कारण जैसे कि आपने सही बोला कि डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, और ये दोनों लाइफस्टाइल की बीमारियाँ हैं। आजकल लाइफस्टाइल की बीमारियाँ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स बढ़ रही हैं, और इन दोनों बीमारियों लाइफ शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से जो है पिछले कुछ दशकों में किडनी की बीमारियां भी बेतहाशा बढ़ी हैं। तो शुगर के पेशेंट को ये बहुत ज़रूरी है कि वो नियमित अंतराल पे अपने ब्लड टेस्ट कराते रहे, यूरिन टेस्ट कराते रहे, ब्लड टेस्ट कराते रहे, जिससे कि
अर्ली स्टेज में उसकी बीमारी, किडनी बीमारी को पकड़ा जा सके और उस समय एक उचित इलाज उसको दिया जा सके। उसके लिए गाइडलाइंस हैं, जैसे कि शुगर के मरीजों को जिस दिन शुगर होता है उस दिन से ही उसकी हर साल एक बार स्क्रीनिंग होनी चाहिए किडनी डिजीज़ के लिए, जो कि अभी इंडिया में वाइडली प्रैक्टिस नहीं है, पर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रहा है। जी, इस पूरे टॉपिक पर हम एक लंबी डिस्कशन जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं तो जिन डॉक्टर से हम मिल रहे हैं तो उन डॉक्टर के बारे में हम जाने, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने, उनकी एजुकेशन के बारे में जाने। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, फ्रॉम फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपने कहाँ से पढ़ाई की, और क्या आपकी पढ़ाई में, क्वालिफिकेशन में, चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इन सब चीज़ों में फेस करने को मिली? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, वहाँ पर एक गांव है हमारा बड़ियारगढ़, टीरी गढ़वाल में, वहीं पर मेरी बेसिक की पढ़ाई लिखाई हुई है और उसके बाद फिर मैं उत्तरकाशी में मेरी 10वीं और 12वीं की परीक्षा मैंने उत्तरकाशी से दी। उसके बाद मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में आया, GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर, जहाँ पर कि मेरी MBBS और MD की ट्रेनिंग हुई। जी, कानपुर से MD करने के बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने गंगाराम हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पहली बार काम किया और वहाँ पर कुछ मेरी ट्रेनिंग गंगाराम में भी हुई। फिर मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया, फिर एम्स में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर मैंने एम्स से नेफ्रोलॉजी की फाइनल ट्रेनिंग मैंने एम्स से की। जी, 2011 के बाद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ और सबसे पहले मैंने होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जो कि एक रेनाउंड चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसे ज्वाइन किया और मैं अभी भी वहाँ पर सेवारत हूँ और हर दिन अपना एक चैरिटेबल OPD वहाँ पर कंडक्ट करते हैं। जी। इसके बाद मैंने JP हॉस्पिटल ज्वाइन किया था 2014 में, 6 साल मैंने JP हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ पर मैंने एज एसोसिएट डायरेक्टर रहा और एक अच्छा डायलिसिस, नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया। जी। अगस्त 2020 में मैं यहाँ फोर्टिस मैंने ज्वाइन किया है और अब मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। जी, तो जैसा आपने बताया कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एक सरकारी स्कूल से हुई है, एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि आज की डेट में एक ऐसे एरा में हम जी रहे हैं जहाँ पर हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में जाएं, उनके बच्चे एक अच्छी क्वालिफिकेशन, एक अच्छी एजुकेशन उनको मिले, लेकिन जहाँ पर हम एक ऐसे डॉक्टर को देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, बहुत नॉर्मल जगह से आया है, एक गाँव से है, और फिर वो एक इस लेवल पर पहुँचा है, तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और एक एग्जाम्पल सेट ज़रूर हो जाता है। तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो आपने पढ़ाई की है गवर्नमेंट स्कूल से भी आपकी जो पढ़ाई हुई है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब जिस तरीके से लोग गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई को काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है और आप जो हैं वो इतने बेहतर मुकाम पर हैं, तो क्या बोलना बताना भी चाहेंगे आप लोगों को? जी देखिए, एक गरीब लोगों के लिए तो समाज में आगे बढ़ने का जो सबसे अच्छा जो साधन हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई हो सकता है। जी। और अगर आप अपनी गरीबी महसूस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे और जानकारी हासिल करने के लिए भी, अगर ज़िंदगी में आपने किसी भी दिशा में किसी भी क्षेत्र में जानकारी हासिल करनी है तो ये ज़िंदगी में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जी। जहाँ तक आपका जो सवाल है सरकारी स्कूल्स का, तो मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान मुझे कभी कोई कमी तो नहीं महसूस हुई। जी। टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, हाँ ये ज़रूर है कि ज़बरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाते थे, एक रेगुलेशन, बहुत टाइट रेगुलेशन नहीं होता था, पर जो क्लास में बैठता था वो उसको पढ़ाते ज़रूर थे। तो मैं आज भी मेरी मेमोरी में बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे जो आज भी हैं, वो भी मैं भी उनको याद करता हूँ, वो भी मुझे आज भी याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारा सेल्फ लर्निंग का एक एटीट्यूड होना चाहिए और हमें कोशिश करते रहनी चाहिए रोज़ सीखने की, रोज़ पढ़ने की, नई नई चीज़ें करने की,
तो हम आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो नई नई चीज़ों से अगर मैं कुछ निकालना चाहूँ तो क्या आपका इंटरेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम आपका जो प्रोफेशन है उसके अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने खाली टाइम में अगर मिलता है तो? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कोविड का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे जो टाइम है डॉक्टर्स को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिलता है तो आप क्या कुछ करना पसंद करते हैं? वैसे तो मेरा पैशन जो है मेडिसिन ही है और नेफ्रोलॉजी ही है, पर यस आपने पूछा है तो मैं खाली समय में मैं घूमना पसंद करता हूँ, नई नई जगहों पे जाना पसंद करता हूँ और नए लोगों से मिलना भी पसंद करता हूँ। और बाय गोइंग टू न्यू नई जगहों पे जाकर और नए लोगों से मिलकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर किसी विदेश यात्रा पे गया हूँ, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में गया हूँ, तो वहाँ पर, अरे ये हमारी प्रैक्टिस में है भी, हम लोग वर्ल्ड वाइड घूमते हैं और नई जगहों पर जाते हैं और वहाँ के डॉक्टर से मिलते हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशन में उनकी प्रैक्टिस देखते हैं और जो भी वहाँ पर अच्छा होता है उसको हम अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ हाउ, जैसे कि हम पिछले कुछ सालों में हमने इसी तरह से इवॉल्व हुए हैं और अच्छे से अच्छा करते हैं। आज की तारीख में वी आर प्रैक्टिसिंग एट पार विद एनी गुड सेंटर इन वर्ल्ड और हम बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। और मैंने पिछले कुछ सालों में, मतलब ये समझिए कि वर्ल्ड के लगभग हर कोने से हर पेशेंट हमारे पास आए हैं और हमने उनको ठीक करके यहाँ से भेजा है, तो दैट इज़ ऑल्सो। और उसके बाद का क्या है, मतलब जब आप पेशेंट्स को भेजते हैं ठीक करने के बाद और एक्चुअली जब वो ठीक हो जाते हैं तो जो ब्लेसिंग्स वो देते हैं, जो आशीर्वाद मिलता है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? या ऑफकोर्स देखिए, उन जब भी किसी कोई पेशेंट बीमार होता है और उसके लिए ये बहुत मुश्किल वक्त होता है, हमारे लिए तो हो सकता है कि एक रूटीन नॉर्मल काम हो जी, पर पेशेंट की सफरिंग बहुत बड़ी होती है, स्पेशली हमारे पेशेंट्स किडनी के पेशेंट तो बहुत परेशान होते हैं। और ऑफ कोर्स चाहे वो किसी भी स्थिति में आए, जब वो ठीक होकर जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता है। ख़ास तौर से जैसे हम ट्रांसप्लांट के जो हम पेशेंट देखते हैं तो ट्रांसप्लांट के बाद उनकी लाइफ बदल जाती है, उनका जीवन का स्तर बदल जाता है, उनका रहन सहन बदल जाता है और उनका जो लाइफ में जो वापस उनका एक जान आ जाती है, ये उनका काम करने के उसमें और फाइनेंशियल वायबिलिटी आ जाती है ज़िंदगी में, तो वो उनका लाइफ चेंज कर देता है। तो ये आप बिल्कुल काफ़ी संतोषजनक होता है उनका ठीक होना हमारे लिए जी। और क्योंकि लाइफस्टाइल जैसा आप बता भी रहे थे कि आज की डेट में लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो लोगों को परेशानियां देखने को मिलती हैं, बीमारियां एक्चुअली उनकी बॉडी में आ जाती हैं, तो क्या कुछ चीज़ें हैं रेगुलर लाइफ में, अगर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों की बात करें जो लोग कर सकते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली करनी चाहिए उन्हें बेसिक लेवल पर, ताकि उन्हें कम से कम वो कुछ लेवल तक अपने आप को बचा सकें इन बीमारियों से, स्पेशली क्योंकि आप किडनी और पूरी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो स्पेशली उसके लिए भी कुछ अलग से बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने आप को बचा के रख सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि हम बीमारियों को बढ़ने से रोकें जी। तो 30 साल के बाद जो है आपको लाइफस्टाइल बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। बिल्कुल, सबसे पहले है खानपान जी, ठीक है। तो हमारा जो मुख्य कारण है बीमारियाँ होने का वो है खाने में शुगर, मीठा और खाने में नमक, ये दोनों बहुत बड़े कारण हैं बीमारियाँ होने के, और इनका सेवन जो है कम से कम करना चाहिए, स्पेशली जब आपकी एज जब ज़्यादा हो रही हो और आपके फैमिली में हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की और बीमारियों की, हार्ट की बीमारियों की, तो खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही बैलेंस खाना खाना चाहिए, नमक और मीठा बहुत कम होना चाहिए, तेल भी कम होना चाहिए, सब्जियां और फल ज़्यादा हों, और मैं एडवोकेट करता हूँ वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि ये मेरा एज ए किडनी स्पेशलिस्ट से मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, मांस मछली अंडे का सेवन जो है ये किडनी डिजीज़ को बढ़ाता है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में अपने सारे पेशेंट्स को एडवोकेट करता हूँ कि आप जो है वेजिटेरियन डाइट अडॉप्ट करें, और मैंने देखा है कि वेजिटेरियन डाइट से किडनी डिजीज़ को स्टेबलाइजेशन में हेल्प मिलती है जी। तो इसके खाने पीने के बाद आपका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट, वेट कंट्रोल करना, नशीली पदार्थों का सेवन ना करना, सिगरेट और स्मोकिंग ये सब अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको हो जाती हैं ये बीमारियाँ शुगर ब्लड प्रेशर, तो
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लिए रेगुलर इंटरवल पे स्क्रीनिंग भी करवाएं। जी, जैसा आपने हिस्ट्री की बात की, क्योंकि मेरे जहन में एक बात ज़रूर आती है कि मेरे एक फ्रेंड हैं जिनकी ग्रेट ग्रैंड मॉम, मतलब उनकी जो ग्रैंड मॉम हैं वो डायबिटिक पेशेंट थी, उनकी मॉम भी हैं, उनकी सिस्टर भी हैं। तो ये जो हिस्ट्री की बात है, स्पेशली ये इस केस में, शुगर के केस में ये रहता ही है, ज़्यादातर रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कुछ और तरीका है, मतलब फूड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। जी, मैं आपको थोड़ा सा डिजीज़ इवोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ कि डिज़ीज़ कैसे इवॉल्व होती है। जी, तो किसी भी डिज़ीज़ को इवॉल्व होने के लिए चाहिए होता है जीन्स और एक इन्वायरमेंट। तो जीन्स तो हमको खानदान में मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और उन पे तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब तक एक ख़राब जीन्स को एक बैड इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक बीमारियाँ यूजली डेवलप नहीं होती। तो बैड इन्वायरमेंट क्या है? लाइफस्टाइल है। तो अगर आपकी फैमिली में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है तो अपने लाइफस्टाइल की तरफ देखिए, अपने किचन की तरफ देखिए कि वहाँ क्या गड़बड़ है जी। अपने लाइफस्टाइल में देखिए, यूजली जिन परिवारों में शुगर की हिस्ट्री होती है और ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री होती है वहाँ उन घरों में मीठा का सेवन और नमक का सेवन ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो ज़रूर करें। और अगर आप आज ग्रसित हैं शुगर ब्लड प्रेशर से और आपकी फैमिली के अधिकतर मेंबर्स हैं तो आप ये मान के कि आपके आगे की जनरेशन्स में भी ये जाएगा, तो आप आज से ही जो है अपना किचन को ठीक करिए, अपने खाने पीने को ठीक करिए, और जब आप ठीक करेंगे तो आपके बच्चे वही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कम नमक खाना स्टार्ट करेंगे, आप मीठे का सेवन कम करेंगे तो आपके बच्चे वो सीखेंगे कम नमक का खाना खाना, कम मीठे का खाना खाना, और वो फिर बचेंगे इनसे। आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करिए तो आपके बच्चे भी जो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। जैसे फैमिली वैल्यूज आप देते हैं आप अपने, तो ये भी लाइफस्टाइल, एक करेक्ट लाइफस्टाइल देना भी हमारी जिम्मेदारी है, खास तौर से अगर आपके परिवार में इसकी हिस्ट्री है। अब हम ज़रूर शुरू करते हैं कि किडनी के बारे में, क्योंकि हमें उसके बारे में भी ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें। तो सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि ये जो किडनी जो हमारे बॉडी में एक पार्ट है वो क्या फंक्शन करता है, क्योंकि अगर एक ले मान की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि किडनी जो है वो क्या वर्क करता है। कहते हैं कि किडनी की डिजीज़ है, बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई है इसको और ये बहुत परेशान है, इसको शुगर था इसलिए इसको ये बीमारी हो गई और अब वो परेशान है, हर दिन डायलिसिस के लिए जाता है। तो बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो समझ में नहीं आती, डायलिसिस नहीं समझ में आता, किडनी की क्या बीमारी है समझ में नहीं आता, और आपसे बेहतर कोई होगा नहीं जो हमें समझाएगा। किडनी हमारे पीछे पीठ की तरफ, बीच पीठ की तरफ वो दो मुट्ठी के जैसे बीन शेप्ड के, और इनका काम होता है हमारे खून को छानना और पेशाब बनाना। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारा शरीर जो चलता है उसके कारण जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको छानती है किडनी और पेशाब बनाती है। ये मानिए कि किडनी एक दिन में 200 लीटर ब्लड छानती है। हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है और वो कंटिन्यूसली फिल्टर होता रहता है, तो जब 200 लीटर ब्लड 24 आवर्स में किडनी में जाता है फिल्टर होने के लिए तो उसमें 2 लीटर यूरिन बनता है, ऑन एवरेज 2 लीटर यूरिन बनता है, 198 लीटर वापस एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो किडनी का एक प्रोसेस है छानना, फिर उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको वापस लेना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा, खून को छानने के अलावा, किडनी कुछ वाइटल चीज़ें भी बनाती हैं, जैसे कि विटामिन डी का फाइनल प्रिपरेशन किडनी करती है। एक एर्थ्रोपोटिन हार्मोन होता है जो हमारे खून को बनाता है, वो किडनी में बनता है। तो होता क्या है कि जब किडनी की बीमारी स्टार्ट होती है तो गॉड ने हमको, ईश्वर ने हमको एक रिजर्व दिया है, हमको झेलने की शक्ति दी है। जब तक 90% किडनी डैमेज नहीं हो जाता तब तक यूजली लोगों को लक्षण नहीं आते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको शुरुआती स्टेज में लक्षण आते हैं। लक्षणों में मुख्यतः पैरों में सूजन आना है जो थोड़ा अर्ली स्टेज में आ सकता है, कई बार नहीं भी आती है। बाद में जब
90% से ज़्यादा जब किडनी ख़राब हो जाती है तब पेशेंट को लक्षण आते हैं, जैसे कि भूख न लगना, कमजोरी होना, थकान होना, क्योंकि जब खून, जब किडनी काम नहीं करेगी तो खून बनना कम हो जाता है, तो थकान होती है, कमजोरी होती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है क्योंकि विटामिन डी नहीं एक्टिव हो पाता किडनी में। तो किडनी जो है, किडनी का जो ये छाननी की प्रक्रिया है, जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो पेशेंट सिम्टोमेटिक होने लगते हैं और लक्षण आने लगते हैं। तो इस तरह से किडनी हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल निकालती है, बॉडी में, बॉडी के जो जो कुछ हार्मोन्स को बनाती है, इस तरह से एक वाइटल ऑर्गन है। और अगर किडनी फेल हो जाती है तो विदाउट सपोर्ट ऑफ डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट लाइफ नहीं सस्टेन हो सकती। तो हमें किसी न किसी तरह का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिसमें जो तुरंत जो अवेलेबल है वो डायलिसिस है, और फिर पेशेंट ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं जब किडनी अगर परमानेंटली डैमेज है। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो एक काफ़ी एक्सपेंसिव अपने आप में है, और नॉर्मल जो लोग होते हैं वो उतना एक्सपेंस नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में, क्योंकि हमने आपकी काफ़ी स्टडी की है, तो आप ऐसी संस्था से भी जुड़े हैं जहाँ पर जो है वो लोगों को निशुल्क चीज़ें जो हैं वो मतलब दी जाती हैं, उनको हेल्प की जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप वो भी बताएं, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, वो लोग कम से कम उन जगहों पर उन चीज़ों का जो है वो फ़ायदा उठा सकें, और किस तरीके से आपकी ये संस्था जो है, जो कि वर्क करती है स्वामी विवेकानंद, तो उस पूरी संस्था के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, ताकि लोग जो हैं वो उसका फ़ायदा भी उठा सकें और हेल्प जो है उनकी हो सके। इसमें ये किडनी की समस्या में दिक्कत ये है कि अगर फेल हो जाती है तो ट्रीटमेंट सही में बहुत एक्सपेंसिव है जी। और ये मानिए कि हर साल 2 लाख नए लोग किडनी फेलियर से जुड़ते हैं, जिसमें मुश्किल से 10,000 ही ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं और कुछ हज़ार और डायलिसिस पे रहते हैं। 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ना डायलिसिस करवा पाती है ना ट्रांसप्लांट करा पाती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस। अब सरकार ने इस तरफ सोचा है, क्योंकि क्रॉनिक बीमारी है, और पहले तो शुरुआती दौर में तो इन पर इतना ध्यान नहीं था जी। पर नेशनल डायलिसिस मिशन, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस मिशन 2016 में स्टार्ट किया गया, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने प्लेज किया है कि वो फ्री डायलिसिस अवेलेबल कराएगी। पर हमारा देश बहुत बड़ा देश है, डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी वक्त लगेगा हर इंसान को और जो एलिजिबल है उनको भी फ्री डायलिसिस देने में, पर सरकार प्रयासरत है नेशनल डायलिसिस मिशन के तहत। दूसरा, ट्रांसप्लांट के लिए भी गरीब मरीज सरकार के पास जा सकते हैं। हर राज्य में एक स्टेट इलनेस असिस्टेंट फंड होता है जो मुख्यमंत्री के विवेकाधीन होता है, और अगर आप एलिजिबल हैं, गरीब हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक एस्टिमेट फॉरवर्ड करा के अपने जो विधायक हैं या जो अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके मार्फत जो है सीएम के स्टेट इलनेस असिस्टेंट फंड में भेज सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट, और वहां से वंस इन लाइफ टाइम एक आपको सहायता मिलती है जिसकी मदद से आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। यूजली ट्रांसप्लांट में जो खर्चा होता है 6 से 7 लाख के आसपास आता है, जिसमें आपको 2-3 लाख के आसपास बैकअप भी रखना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत हुई तो उसको संभालने के लिए, पर यूजली 6 से 7 लाख के आसपास खर्चा आता है जी। तो इस तरह से बाकी जो मेरे जो हमारा जो व्यक्तिगत प्रयास होता है, हर डॉक्टर जो है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, हर डॉक्टर जो है सोशली भी एक्टिव होते हैं, तरह तरह की संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ जॉब। तो हम भी जुड़े हुए हैं, मैंने आपको जैसे शुरुआत बताया था कि मैं गढ़वाल से आता हूँ, उत्तराखंड से आता हूँ, तो वहाँ पर हमारी संस्था काम करती है स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन, और मैं महीने में 1 बार या 2 बार वहाँ पर कैंप ओपीडी के लिए जाते हैं पेशेंट्स को देखने के लिए, किडनी पेशेंट्स को देखने के लिए। वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हमारे वहाँ पर अभी 8 हॉस्पिटल हैं, हमारा प्रयास होगा कि धीरे धीरे सभी सेंटर्स में
डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जी। इसी साल हमारा जो हमारा देहरादून वाला जो धर्मावाला में जो सेंटर है उसमें स्टार्ट करने का प्रयास था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस वो अभी नहीं हो पाया, पर आगे का प्रयास यही है कि हम एक विस्तृत तौर पे ये अपने हॉस्पिटल जो हमारी संस्था है स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन, इसके नेटवर्क के तहत पूरे उत्तराखंड में किडनी की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ऐसा हमारा विजन है। जितना मैंने आपकी पूरी मतलब आपकी पूरी प्रोफाइल पढ़ी है जिसके बारे में, तो मेरे को ये भी देखने को मिला कि आपने कुछ चीज़ें कुछ जैसे कि रीना केयर सेंटर ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसे एक दो चीज़ें जो है और आपने जो है वो खोली हैं ताकि इससे भी लोगों को हेल्प भी हो सके, और जो है वो जो लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की जब बात सुनते हैं तो लोग अपने आप में ही एक्सपेंस और चीज़ों को लेकर डर जाते हैं। मेरा अपना सेंटर है रीना केयर सेंटर फॉर किडनी डिजीज एंड रिसर्च जी। और एक ट्रस्ट भी मैंने बनाया है क्रॉनिक किडनी डिजीज रिसर्च ट्रस्ट जी। रीना केयर सेंटर फॉर किडनी डिजीज एंड रिसर्च के पीछे तो मोटो है एक बेस्ट काइंड ऑफ और बेस्ट क्वालिटी ऑफ किडनी ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना जी। जिसके तहत मैंने एक अपनी डायलिसिस सेंटर इस्टेब्लिश की है, 13 स्टेशंस की डायलिसिस सेंटर है नोएडा सेक्टर 119 में जी। बहुत ही हाई एंड सेंटर है, लेटेस्ट मशीन्स हैं, और जो भी वर्ल्ड में जो बेस्ट डायलिसिस ट्रीटमेंट जो मिल सकता है वो वहाँ पर उपलब्ध है जी। और एक टीम ऑफ डॉक्टर्स मिलकर हम सब लोग उसको देखते हैं। इसके अलावा जो हमने जो ट्रस्ट अपना इस्टेब्लिश किया है उसका मिशन हमारा ये है कि हम बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन हम उसको इस बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अभी तक, बट हमारा उद्देश्य है कि हम एवरी वीक गरीब लोगों के लिए कंसल्टेशन उपलब्ध कराएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना और सही और उसका फिर सही इलाज करना। तो जब स्पेशलिस्ट अवेलेबल होंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए तभी वो हो पाएगी, और बहुत सारे लोगों के साथ लिमिटेशन ये है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कंसल्टेशन फ़ी नहीं पे कर पाते, तो उसके लिए ये प्रोविज़न हमने सोचा है कि हम वीकली एक नियमित समय पे अपना कंसल्टेशन अवेलेबल कराएंगे जी। और निःशुल्क परामर्श अवेलेबल कराएंगे, और मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरी संस्था जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है होली फैमिली न्यू दिल्ली वहाँ पर भी उपलब्ध हूँ, तो वहाँ पर भी हम अभी रोज निःशुल्क चैरिटेबल परामर्श उपलब्ध कराते हैं जी। क्या कुछ कॉमन कॉजेज़ होते हैं किडनी किडनी डिजीज़ के जो कि कॉमन कॉज होते हैं और यूजुअली लोगों को नहीं पता चल पाते हैं? तो मुख्यतः तो दो कारण हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं जैसे कि यूरिन में प्रोटीन का लीक होना और यूरिन में ब्लड का लीक होना, बार बार किडनी में स्टोन बनना और बार बार किडनी में इन्फेक्शन होना। तो जब भी आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी में कोई दर्द नहीं होता एज सच, और आपको बस केवल ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स गड़बड़ मिलेंगे। और जब अगर आपके साथ अगर ऐसा है, अगर आपके कुछ KFT में किडनी फंक्शन टेस्ट है, सीरम क्रिएटिनिन है, अगर उसमें गड़बड़ है, या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, या यूरिन में एल्ब्यूमिन लीक हो रहा है, यूरिन में RBC लीक हो रहे हैं, ब्लड लीक हो रहा है, या किडनी में स्टोन है, तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको जो है प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लीजिए ताकि जो है उस डिजीज़ को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसको शुरुआती दौर में ही जी। और ये जो डायलिसिस स्पेसिफिक वर्ड है डायलिसिस, ये क्या है और इसका क्या प्रोसेस होता है? साथ ही में जो ये डिजीज़ है मतलब किडनी डिजीज़ जब यूजुअली होती है तो हम सुनते हैं कि डायलिसिस करवाते हैं लोग और करवाना भी चाहिए रेगुलर टाइम फ्रेम में, तो क्या ये ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो क्या डायलिसिस है एक्चुअली? डायलिसिस जैसे मैंने आपको बताया था कि जब 90% से भी ज़्यादा जब किडनी ख़राब हो जाता है और 10% ही फंक्शन रह जाता है किडनी में, तो पेशेंट को सिम्टम्स होने लगते हैं। खून को छान के ये पेशाब बनाती है, तो जब किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगी तो ब्लड में जो गंदगी है वो रुकने लगती है, जिसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है,
शरीर में पानी रुकने लगता है, मरीज को स्वेलिंग आने लगती है, स्वेलिंग आने के कारण सांस फूलने लगती है, तो और किडनी के फिल्टर्स चोक होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं कि ब्लड को वेसल्स बनाई जाती हैं हाथ पे, जिसको एवी फिसला बोलते हैं, ये गर्दन में एक प्लास्टिक की नलियाँ होती हैं जिनको कैथेटर्स बोलते हैं, डायलिसिस कैथेटर्स, वो लगा के पेशेंट का ब्लड उसको मशीन के में एक फिल्टर होता है, उस फिल्टर के थ्रू पास करते हैं जिससे ब्लड का शुद्धिकरण होता है और फिर वो ब्लड वापस चला जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है हमको कंटिन्यूसली 4 आवर्स तक हम चलता है एक सेशन में जी। और मरीजों को यूजली जो है 2 से 3 बार खून की सफाई करानी पड़ती है ताकि उनके जो ये गंदगी के जो पैरामीटर्स हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन है, पोटेशियम है, ये सब जो है नियंत्रित रहें और इतने ज़्यादा ना बढ़ें कि मरीज की लाइफ को कोई ख़तरा हो जी। तो कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये डायलिसिस बार बार करानी पड़ेगी जी। तो उसका ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपके बैसरी आपके केस में कारण क्या है, और अगर वो किसी इन्फेक्शन है या कोई शॉर्ट टर्म बीमारी के कारण ख़राब हुई है, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है या कोई इन्फेक्शन है और उसके कारण अगर आपकी किडनी ख़राब हुई है और आपको डायलिसिस करनी पड़ी है, या कई बार टॉक्सिन्स हो जाते हैं जैसे स्नेक बाइट है या और कोई जहरीले पदार्थ है, या कभी पेन किलर मेडिसिन आपने सुना होगा कि उनके कारण भी कभी कभी किडनी शटडाउन हो जाता है, तो उसमें टेम्प्ररी हम लोग सपोर्ट देते हैं शरीर को, डायलिसिस टेम्प्ररी होती है और जब एक बार पेशेंट उस इन्फेक्शन के असर से निकल जाता है, किडनी उस इन्फेक्शन के असर से निकल जाती है तो किडनी रिकवर भी कर जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं, खास तौर से जो मैंने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली आपकी बात की थी, और जब किडनी धीरे धीरे करके फेल होती है, किडनी की फेलियर की भी 5 स्टेज है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक, धीरे धीरे करके किडनी फेल होती है तो इस प्रोसेस में किडनी धीरे धीरे करके सिकुड़ जाती है। तो अगर किडनी सिकुड़ गई है, किडनी धीरे धीरे करके फेल हुई है, तो आपको फिर जब डायलिसिस जो लेना होगा वो फिर हमेशा ही लेना होगा जब तक कि आप ट्रांसप्लांट नहीं करा लेते। तो आपने हफ्ते में 2 या 3 बार रेगुलर ट्रांसप्लांट कराना है, जितना आपका डॉक्टर एडवाइस करें उतना करवाइए ताकि जो है शरीर स्वस्थ रहे। और आज की तारीख में इंडिया में अच्छी डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है, अच्छी लॉन्जिविटी है डायलिसिस पे भी। मेरे पास जो है फॉलोअप में, ये समझिए कि लगभग ऐसे पेशेंट भी हैं जो 20 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, 20 ईयर्स। पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फिर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो, और फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब फैमिली आपकी सपोर्ट करेगी तभी आप इतना लंबा समय जो है डायलिसिस पे निकाल सकते हैं। और क्योंकि डायलिसिस, क्या डायलिसिस का भी कोई अल्टरनेटिव है, मतलब या फिर ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस, क्या सिर्फ डायलिसिस करना इज ओके, मतलब या फिर ट्रांसप्लांट करवाने से डायलिसिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक बार ट्रांसप्लांट करवा दिया तो, क्या कुछ अल्टरनेटिव हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक हमें डायलिसिस कराना है और ट्रांसप्लांट होने के बाद डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के ऑर्गन, हमारे जो नेचुरल ऑर्गन है वो फेल हो गया, अब हम सपोर्ट पे हैं, डायलिसिस का सपोर्ट लिया, फिर ट्रांसप्लांट हो गया तो ट्रांसप्लांट किडनी का सपोर्ट है। पर क्योंकि जो ये ट्रांसप्लांटेड किडनी है इसकी भी एक लाइफ होगी, क्योंकि नेचुरल किडनी नहीं है आपकी और आपका शरीर का इम्यून सिस्टम जो है इसको कंटिन्यूसली रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए आपको जो है रेगुलर इंटरवल पे अपने डॉक्टर के सुपरविजन में जाना होता है। डॉक्टर आपको जो है इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और वो आपको रेगुलरली वो दवाइयाँ लेनी है इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन, जिसके सहारे से वो किडनी चलती रहती है। यूजली एक ट्रांसप्लांट किडनी की लाइफ जो है 10 से 20 साल, और फिर कुछ पेशेंट में जो है ये ज़्यादा भी हो सकती है, 30 ईयर्स 40 ईयर्स, पर ऑन एन एवरेज मानिए आजकल की 15 से 20 साल एक ट्रांसप्लांट किडनी चलती है। क्या माने कि क्या डायलिसिस इज अ गुड ऑप्शन और द ट्रांसप्लांट इज अ गुड ऑप्शन? बेहतर ऑप्शन ट्रांसप्लांट है जी। ये डेटा है, इस पर रिसर्च भी है जी। कि अगर जहाँ तक संभव हो सके ट्रांसप्लांट होना चाहिए जी। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायलिसिस की लिमिटेशन ये है कि डायलिसिस फिल्टर तो करता है खून को, लेकिन सारी चीज़ों को रिप्लेस नहीं करता है ना, और फिल्ट्रेशन की भी उसकी अपनी लिमिटेशन है क्योंकि मशीन है जी। तो उसकी फिल्ट्रेशन की लिमिटेशन है 10% की,
लेकिन जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आपको ऑलमोस्ट 100% फंक्शन मिलता है, आपके शरीर में खून भी बनने लगता है, जो डायलिसिस के पेशेंट को जो खून के इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है और विटामिन डी अलग से लेना पड़ता है, वो सब फिर ट्रांसप्लांट के बाद जरूरत नहीं पड़ता है। तो एक तरह से समझिए कि आपका शरीर फिर से जो है नॉर्मल जैसा हो जाता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपना जो आपका प्रोफेशनल एक्टिविटी है, आपका जो है काम है, फ्रीली कर ना, हाँ फ्रीली कर सकते हैं और आपका जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाता है। डायलिसिस में आपको हफ्ते में 2 या 3 बार जो है हॉस्पिटल आना पड़ेगा, तो इसमें लिमिटेशन हो जाती है आपके काम। लेकिन लेकिन हमने सुना है जिस तरीके से कि ट्रांसप्लांट जो है वो एक एज लिमिट जो है वो उसमें कहा जाता है कि एज इज अ बार, कि अगर आप 50 प्लस हैं या अगर आप 60 प्लस हैं तो अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपकी बॉडी उसको बेयर नहीं कर पाएगी, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक एक, एक हम एसेस करते हैं कि अगर जिस पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं जी, अगर वो ट्रांसप्लांट के बाद 5 ईयर्स और जी सकता है तो उसके लिए ट्रांसप्लांट बेहतर है, भले ही वो 70 साल का हो। अगर जैसे मुझे लगता है कि मेरे पेशेंट 5 ईयर्स और उसको लाइफ में एक्सटेंड कर सकता हूँ ट्रांसप्लांट से, तो उसके लिए ट्रांसप्लांट बेहतर है। तो इसलिए ट्रांसप्लांट में एज सच कोई एज बार तो नहीं है जी। और करवाया जा सकता है। उसके लिए फिटनेस असेस करते हैं हम कि उसका हार्ट कैसा है, उसके और ऑर्गन्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है पेशेंट को और डिजीज भी हो सकती है। खासतौर से मैंने जैसे आपको बताया कि डायबिटीज नंबर वन रीज़न है, तो डायबिटीज़ हार्ट को भी इफेक्ट करता है, डायबिटीज़ ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, तो उसके और ऑर्गन्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो और वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाए। अगर उसके और ऑर्गन हेल्दी हैं, रिलेटिवली हेल्दी हैं और हम उसके ट्रांसप्लांट करके उसकी लाइफ 5 ईयर्स बढ़ा सकते हैं, तो ट्रांसप्लांट इज एनी डे बेटर अल्टरनेटिव देन किडनी डायलिसिस। ओके, अब क्योंकि ट्रांसप्लांट की बात है तो ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर भी चाहिए, और अगर डोनर ईजिली अवेलेबल नहीं होते, ईजिली जो डोनर होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले तो ये कि डोनर किस तरीके से मिलेगा, उसके बाद क्या उनकी भी कोई लिमिटेशन है कि वो फैमिली मेंबर होना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मुझे लगता है कि होती होंगी जो कि एक डोनर अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो क्या कुछ वो चीज़ें जिन्हें ध्यान में रखा जाए? देखिए, ट्रांसप्लांट अब एक रेगुलेटेड प्रोसेस है इंडिया में, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ये इस्टेब्लिश हुआ है, और इसके तहत आप डोनर्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में, लीगल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, रिलेटिव एंड अदर देन नियर रिलेटिव। तो रिलेटिव में आते हैं जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, ये रिलेटिव है। इसके अलावा बाकी सब अदर देन नियर रिलेटिव है। तो रिलेटिव में हमें उसका DNA टेस्टिंग से उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, और उसमें कुछ प्रक्रिया होती है, सरकारी प्रक्रिया, जिसके तहत हम फिर हॉस्पिटल की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती हैं और ऑथराइजेशन कमेटी होती है, उससे परमिशन लेके कर सकते हैं। अदर देन नियर रिलेटिव कैटेगरी में आपके जैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, जैसे कि सास ससुर है, आपके रिश्तेदार है, या आपके चाचा है, आपकी मौसी है, तो ये सब अदर देन नियर रिलेटिव में आएंगे जो आपके इमोशनली कनेक्शन के कारण जो आपको किडनी देंगे। तो उसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया, उसमें ऑथराइजेशन की प्रोसेस थोड़ा सा और रोबस्ट है जी। आपकी ये सब चीज़ें चेक की जाती है कि क्योंकि हम यहाँ पर DNA टेस्टिंग की लिमिटेशन हो जाती है, स्पेशली जैसे फ्रेंड के केस में के, तो वो फिर आपको और जो गवर्नमेंट की जो ऑथराइजेशन कमेटी होती है वो ये देखती है कि आप वाकई क्या इमोशनली कनेक्ट होने कनेक्शन के कारण अपना ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, और वो देखते हैं कि उसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो अगर पेशेंट इस ऑथराइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ओके, जब भी हम डोनर को सिलेक्ट करते हैं तो हम ये हमेशा इंश्योर करते हैं कि उसको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ ना हो, उसको कोई रिस्क ना हो आगे जाके किडनी डिजीज होने का, और जो ओवरऑल डेटा है वो ये देखा गया है कि डोनेशन के बाद डोनर्स जो है हेल्दी रहते हैं, क्योंकि डोनर्स एक तो आप उसी को सिलेक्ट करते हो जो हेल्दी है, राइट, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आगे जाके भी उसको कम संभावनाएं होंगी कि उसको ये कुछ होगा, और हम उसको हर तरह से स्क्रीन करते हैं और उसको
एक प्रॉपर उसके एवेल्यूएशन के बाद ही उसको उसको डोनर लिया जाता है। तो जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें क्या डोनर, जैसा आपने बताया भी, ये मेरा सवाल था, होना भी था, कि क्या डोनर को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बॉडी पार्ट जो है वो आपका एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है अपने आप में, तो कितना इफेक्ट पड़ता है उसको, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि डोनर को प्रॉपरली स्क्रीन किया जाता है, थॉरली एवेल्युएट किया जाता है, तो वो इतने हेल्दी होते हैं कि दे कैन सस्टेन देयर लाइफ विद वन किडनी। और जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि डोनर्स आर द फिटेस्ट पर्सन ऑफ सोसाइटी, सो दे डू नॉट हैव एनी एडिशनल रिस्क। तो वो लोग हेल्दी रहते हैं, उनको यूजुअली जो है आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होता, अनटिल अनलेस कि कोई इससे अनरिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे कि किसी डोनर को बैक पेन हो सकता है बाद में, बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, राइट? तो पर उसका किडनी डोनेशन से कोई लेना देना नहीं होगा, यूजुअली डोनर को कोई इशू नहीं होगा। प्रिकॉशंस क्या कुछ, मतलब जो डोनर है उसको भी क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और साथ ही जिसको ज़रूरत है, जो ले रहा है, उसको क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है? डोनर हेल्दी होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो एक बैलेंस लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर तो हम जब भी किसी डोनर को स्क्रीन करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, फिर उसको एज ए डोनर एक्सेप्ट करते हैं, तो हम हमेशा ये बताते हैं कि जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि आप आगे भी जो है ऐसे ही फिट बने रहो और आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। जहाँ तक रिसिपिएंट की बात है, तो रिसिपिएंट को मैंने जैसे आपको बताया था कि वो ट्रांसप्लांट के लिए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेनी होती हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करती हैं, उस कारण से जो है पेशेंट्स को इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो आपने भी जो है, पेशेंट ने भी जो है एक 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 बहुत ही डिसिप्लिनड लाइफ लीड करना होता है, जिसमें कि आप हेल्दी खाना खाइए, पका हुआ खाना खाइए, बाहर मत खाइए, है ना, और बैलेंस डाइट रखिए, आगे शुगर अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखिए, और अपनी दवाइयाँ नियमित अंतर पे लेते रहिए, और रेगुलर फॉलोअप रखिए, रेगुलर अपने टेस्ट कराइए, और जो भी समस्या है फिर वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। हम हर तरह से अपनी पेशेंट की हेल्प करते हैं, जैसे मेडिकल कंसल्टेशन तो हम देते ही देते हैं, पर अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल है, तो फिर विभिन्न संस्थाओं को अप्रोच करके कई बार हम उनके लिए जो है इस तरह के दरवाजे भी खोलने में हेल्प करते हैं, कि जहाँ से वो अपना लाइफ कंटिन्यूसली सस्टेन कर सकें। जी, और क्योंकि हमने बात की एक हेल्दी इंसान जो डोनेट करता है, तो मैं ये भी ज़रूर इसमें ऐड करवाना चाहूँगी आपसे, कि जो मरण उपरांत यानी कि मृत्यु के बाद जो डोनेशन का एक सिस्टम है जो लोग करते हैं, इसके बारे में क्या कुछ आप कहेंगे और क्या कुछ समझाना भी चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, ये बहुत ज़रूरी है, और अभी हमारे देश में मृत्यु उपरांत अंग दान की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। अनफॉर्चुनेटली जितने हमारे पास मृत्यु उपरांत अंग दान हम कर सकते हैं, अभी हम हार्डली उसका 5% भी नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2-3% के आसपास होगा। तो अगर हम अपनी इस प्रक्रिया को सुधारें, और आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंसान अपने अंग दान करके 8 लोगों की जिंदगियाँ बचा सकता है, ओके, उनको नई जिंदगी दे सकता है। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया है, नोटो एक संस्था बनाई है जो मृत्यु उपरांत अंग दान को रेगुलेट करती है, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करती है, और हम प्लेज कर सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपने अंग दान करना चाहूँगा, अगर फिट हुआ तो मैं अपना अंग दान करना चाहूँगा। तो आप अपना एक प्लेज फॉर्म भर सकते हैं, नोटों में दे सकते हैं, या आपने जिस हॉस्पिटल में आप रेगुलरली ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पर भी आप हमारे जैसे हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आप समाज के हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक वाइट पूल बन सकता है ऑर्गन्स का, जो अभी इंडिया में ग्रॉसली डेफिशिएंट है, और होने की अब बहुत, मतलब इस तरीके से ये जो दान है, ये जो डोनेशन है, ये होने की बहुत ज़रूरत है मुझे लगता है। बिल्कुल है, क्योंकि ये मानिए कि अगर जो है इंडिया में ऑर्गन का शॉर्टेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर हम इसको जो है रेगुलेट कर लें,
इसको जो है अगर सब लोग जो है अवेयरनेस क्रिएट करें और अपना प्लेज करें, और लगभग ये समझिए कि जितने भी मैंने आपको बताया था कि हर साल जो 2 लाख नए लोग जो है किडनी फेलियर के जुड़ते हैं, तो उन सब की समस्या जो है इस मृत्युपरांत अंगदान से ठीक हो सकती है। बस हमें थोड़ा सा अपने जो रिलीजियस है या जो है जो 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 फिक्स आइडियाज़ होते हैं उनसे बाहर आने की ज़रूरत है कि मृत्यु के बाद अपना अगर अंगदान अगर हम करेंगे तो हम 8 नए लोगों को ज़िंदगी देंगे, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अब क्योंकि ये वक्त कोविड का चल रहा है और ये जो टाइम है ये मुझे लगता है कि हमारी एज में, मेरी एज में अब तक जो है वो ऐसा वक्त कभी हमारे देश ने, दुनिया ने नहीं देखा। तो इस टाइम पे जो स्पेशली जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की भी आपने बात कही और किडनी जो है वो अपने आप में बहुत सेंसिटिव चीज़ है, तो कोविड जितनी जल्दी इफेक्ट करेगा लंग्स को, आपके हार्ट को, आपकी बॉडी को, आपके थ्रोट को, किडनी को भी आई गेस उतना ही इफेक्ट करेगा, तो जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको क्या ज़रूरत है ध्यान रखने की? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बुरे दौर से गुजर रहे हैं और सभी के लिए मुश्किल है। एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एज ए डॉक्टर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है, काम करने की बहुत लिमिटेशन हुई है जी। हमारे मरीज तो खास तौर से बहुत लोगों को दिक्कत हुई है जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डायलिसिस के पेशेंट को हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल आना पड़ता है और इतनी सारी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के बावजूद वो लोग आते हैं, बहुत मुश्किल हुई हैं और हमको भी चीज़ों को रेगुलेट करने में बहुत दिक्कत हुई। ट्रांसप्लांट के पेशेंट खास तौर से रिस्क पे रहे हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही उनकी इम्यूनिटी कम होती है बिकॉज ऑफ मेडिसिंस। डायलिसिस पेशेंट की भी इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि बिकॉज एक मेजर ऑर्गन फेलियर है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कोई भी किडनी पेशेंट है कि वो अपना एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे जी, अगर शुगर का पेशेंट है तो शुगर कंट्रोल रखें ताकि आपको इन चीज़ों के कारण जो कोई इमरजेंसी ना हो। अगर आप डायलिसिस पे हैं तो आप रेगुलरली अपने डायलिसिस पे जाते रहें, प्रिकॉशंस लेके, मास्क और 2 गज की दूरी, ये 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं जिससे हम बच सकते हैं, तो आप इसको फॉलो करें। लेकिन अपना ट्रीटमेंट मत मिस करिए, अपनी दवाइयाँ मत मिस करिए, अपनी दवाइयों को प्रॉपरली स्टॉक करके रखिए ताकि ख़त्म ना हो दवाइयाँ। ट्रांसप्लांट के अगर आप पेशेंट हैं तो प्रॉपरली मेडिसिन खाते रहें। हम लोगों ने इस पूरे कोविड के दौरान एक नई चीज़ पे भी काम किया कि टेली कंसल्टेशन पे, तो हम हमेशा अवेलेबल रहे हैं पूरे लॉकडाउन के प्रोसेस में अपने पेशेंट्स के लिए कि अगर आप नहीं आ सकते हो, दूर दराज के पेशेंट हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, MP से हैं या पंजाब से हैं, बहुत दूर दूर के पेशेंट रहते हैं, सबको हमने जो है वीडियो कंसल्टेशन की फैसिलिटी, टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी दी है, तो हमसे ज़रूर डिस्कस करें कोई दिक्कत हो गई है। और अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। एक ख़ास तौर से मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जैसे आजकल काढ़ा लोग बहुत पीते हैं जी, किडनी पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि काढ़े ऐसे ना हो जिससे पोटेशियम बढ़ जाए जी, और पोटेशियम कई बार किडनी पेशेंट के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो जो भी आप खाने पीने को नियंत्रित रखें जी, बिल्कुल संभल के चीज़ें मतलब करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत 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 धन्यवाद आपका, इतना जो पूरी आपने मतलब इतनी डिटेल्ड में और इतना ले मैन की लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मुझे लगता है सर समझने के लिए कि एक कि ये पूरी प्रोसीजर क्या है, क्या बीमारी है और कैसे इस पर पार पाया जाए। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जब भी मैं आप जैसे डॉक्टर से मिलती हूँ तो उनसे एक ऐसा मोमेंट पूछूँ, एक ऐसा ईयर, ऐसा डे या ऐसा एक कोई भी एक ऐसी चीज़ पूछूँ जो आपके लिए बहुत स्पेशल रही हो। ऑल्दो हर पेशेंट इंपॉर्टेंट है, हर मोमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट या कोई एक ऐसा दिन या कोई ऐसा ईयर जो कि आपको मेमोरेबल है, आप हमेशा याद रखेंगे आपकी लाइफ में और उसके पीछे बहुत स्ट्रांग रीज़न है। ऐसे बहुत सारे ही हैं, मतलब अगर एक डॉक्टर अगर जो है ये सब बताना चाहेगा, ये लिखना चाहेगा, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे पास में जी। मैं जस्ट आपके साथ एक वाक्या शेयर करना चाहूँगा कैसे, क्योंकि किडनी डिजीज़ ना क्रॉनिक डिजीज़ है जो केयर भी होती है, बहुत लंबे समय तक देनी होती है, डॉक्टर को भी, पेशेंट को भी अपनी केयर करनी है, डॉक्टर ने भी केयर देनी है और उसकी फैमिली भी, फैमिली को भी बहुत लंबे समय तक केयर देनी होती है। तो मैं एक घटना बताना चाहूँगा आपके आपके जी आपके आपके लिए कि मैं उस समय मोहाली चंडीगढ़ में 1 साल के लिए मैं गया था अपना DM
ख़त्म करने के बाद एक साल मैंने मोहाली में भी प्रैक्टिस की है जी। तो मिसेस शुक्ला एक हमारी पेशेंट थी डायलिसिस पे जी, रेगुलरली डायलिसिस आती थी। उनके हस्बैंड मिस्टर शुक्ला बहुत ही केयरिंग हस्बैंड थे और हफ्ते में 3 बार मिसेस शुक्ला डायलिसिस पर आती थी। एक बार मिस्टर शुक्ला ने मुझे रात के 2:30 बजे कॉल किया कि डॉक्टर साहब हाथ में एक फिसला बनता है जिससे डायलिसिस होती जी, है जी। किसका फिसला बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो यूजली किडनी पेशेंट में पोटेशियम बढ़ने के कारण हार्ट रेट स्लो हो सकता है, डायलिसिस पेशेंट में खास तौर से प्रॉब्लम होती है, और हार्ट रेट स्लो हो जाएगा तो फिसला धीरे धीरे चलेगा। तो उसमें इलाज होता है कि आपने पोटेशियम बढ़ गया तो पोटेशियम को निकलवाना है। तो मैंने जो घर में जो हम लोग हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भी देते हैं कि एक नेबुलाइजेशन होता है, एसलिन नेबुलाइजेशन, और आपने शुगर डेक्सट्रोज देना होता है। तो मैंने मिस्टर शुक्ला को बोला कि आप एक नेबुलाइजेशन करो और आप जो है चीनी इनको खिला दो, ग्लूकोन डी रखा हो, ग्लूकोन डी पिला दो, उसका तुरंत हॉस्पिटल लेके आइए। तो शुक्ला जी ने वो किया, मैं अपने घर से निकला, मैंने फटाफट डायलिसिस यूनिट खुलवाई, फटाफट फिर उनको डायलिसिस यूनिट पे लेके उनकी डायलिसिस की और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से बच गई जी। उसके बाद मिसेस शुक्ला जो है 2 साल और रही। ओके। लेकिन इसमें 2 चीज़ें थी, खैर हम तो हमेशा ऑन द टूज रहते ही हैं लेकिन पेशेंट की फैमिली भी बहुत बड़ा सपोर्ट होती है। तो सोचिए उन फैमिली मेंबर्स के बारे में जो कि अपने पेशेंट के लिए इतने विजिलेंट रहते हैं कि रात के 2 बजे भी exactly. वो देखते हैं कि exactly. फिसला स्लो चल रहा है, जो कि ऑब्जर्व नहीं कर पाते लोग यूजुअली और फिसला स्लो चल रहा है, फिर वो हमें कॉल करते हैं, फिर लाते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए भी, पर उनके लिए और उन्हीं के फैमिली सपोर्ट के कारण ही लोग जो है ये ट्रीटमेंट सब ले पाते हैं। तो उन सब लोगों का भी शुक्रिया जी। क्योंकि हम लोग तो अपने काम करते ही हैं पर विदाउट देयर सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरे जहन में हमेशा रहता है कि जब लोग अपने फैमिलीज के लिए इतना ध्यान डेडिकेटेड रहते हैं जी। तो हमें तो रहना ही है, हमें तो भगवान ने इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन भगवान ने ये भी बोला है कि आप अपनी फैमिलीज को भी टाइम दीजिए, और बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता है कि अक्सर आप लोग अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते हैं, जो फैमिलीज की शिकायत मुझे लगता है रहती होगी, ऑल्दो अंडरस्टैंडिंग होंगे लेकिन फिर भी शिकायत जरूर रहती होगी। तो मुझे ये जरूर बताइए आप कि क्या अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं और कितना टाइम दे पाते हैं, और कैसी रहती है आपकी घर पर आपकी फैमिली में आपका क्या कितना प्रेजेंस रहता है। इसलिए देखिए मेरे ख्याल से जो भी बिजी डॉक्टर्स हैं सबका 12 घंटे का तो वर्किंग है जी जी, 8 से 8 ये समझिए कि 8 AM to 8 PM हमारा वर्किंग रहता है, और उसके बाद भी जब हम घर जाते हैं तो अक्सर फ़ोन पे पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी आपको एग्जांपल दिया, तो रात को भी कई बार फ़ोन आते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर्स अनॉयड भी होते हैं, बट दे अंडरस्टैंड अवर कंपल्शन ऑल्सो जी, और कि हमारी ये मजबूरी है और हमारा काम भी है, तो उनका सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका, और उसके कारण से ही हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ्लरिश भी करते हैं। बिल्कुल। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमको टॉलरेट करते हैं, हमारे फोन्स ऑड आवर्स में आते हैं उसको टॉलरेट करते हैं, पर वी ट्राई टू गिव टाइम, और ऐसा जो भी हमसे हो सकता है हम जरूर करते हैं जी। हमारी फैमिली घर पर भी है और यहाँ पर भी है, सब हमारे लिए। सर वी आर रियली थैंकफुल, मतलब आप सभी जो डॉक्टर्स हैं इन सबके, हम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम और पूरे देश की तरफ से हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप लोग हमेशा जो हैं वो ऑन टोज खड़े रहते हैं हमारे लिए और हमारे सभी लोगों के लिए जो कि परेशानी में है, जिनको आपकी एक्चुअली में बहुत ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट। अगली बार फिर से किसी और नए डॉक्टर के साथ मिलेंगे जो कि ह्यूमैनिटी की मिसाल होंगे इसी तरीके से। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।